स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा, बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कभी भी अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं की, लोगों का जुड़ाव इस चुनाव में कारगर सिद्ध होने वाला है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि एक तरफ हमारी सरकार माता बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रही है, वही कांग्रेस एक समय 500 रुपये भी नहीं दिए। आपने देखा होगा कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और लगातार 8 बार से इस क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे हैं, परंतु उन्होंने अपनी इच्छाएं कभी व्यक्त नहीं की और हमारे संगठन के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका सुझाव, उनका इतने सालों का जो लोगों के पास जो जुड़ाव है, वो इस चुनाव में एक बड़ा जो है हम लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस अपने नेताओं की चिंता करें, हमारे नेता चाहे प्रदेश के किसी भी कोने में हो, संगठनात्मक रूप से संगठन के हिसाब से चलते हैं। यहाँ व्यक्तिगत की परंपरा नहीं है, सामूहिक नेतृत्व की परंपरा भारतीय जनता पार्टी। रायसेन जिले में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल स्वास्थ्य महकमे की समीक्षा बैठक में शामिल होने शुक्रवार को दोपहर बाद कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले में स्वास्थ्य विभाग के बेपटरे हुए ढर्रे को लेकर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार लापरवाह अफसरों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने यदि लापरवाही बरती तो बख्शा नहीं जाएगा।